फिल्म की शुरुआत रात के समय लॉस एंजलिस में होती है, जहां हमें मुख्य किरदार लू से मिलवाया जाता है। वो एक चोर है जो रेल यार्ड के गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही समय बाद एक सुरक्षा गार्ड उसे पकड़ लेता है, जो गेट के टूटे होने से हैरान है। गार्ड लू से उसका आइडेंटिटी कार्ड मांगता है और लू खुद को निर्दोष बताते हुए आईडी देने का नाटक करता है, और अचानक वो गार्ड की घड़ी चुरा कर भाग जाता है और गेट भी अपने साथ ले जाता है। अगली सीन में लू एक कबाड़खाने में पहुंचता है और चोरी किया हुआ गेट बेच देता है। वो मालिक से पूछता है कि क्या उसे काम पर रखा जा सकता है, क्योंकि उसे एक स्थायी नौकरी की जरूरत है। लू दावा करता है कि वो एक मेहनती व्यक्ति है और स्कूल के दिनों में अच्छा स्टूडेंट था। हालांकि मालिक कहता है कि वो चोरों को काम पर नहीं रखता और उसे वहां से भगा देता है। निराश लू फिर घर की ओर जाता है और रास्ते में उसे कई पुलिस कारों के साथ एक एक्सीडेंट दिखाई देता है। उत्सुक होकर वो अपनी कार सड़क के किनारे पार्क करता है और एक्सीडेंट वाली जगह पर चला जाता है। वहां वो दो कैमरामैन को एक्सीडेंट की शूटिंग करते हुए देखता है। लू ध्यान से देखता है कि पुलिस घायल व्यक्ति को कार से बाहर खींच रही है। जब वे काम पूरा कर लेते हैं तो लू कैमरामैन जो से पूछता है कि वो किस चैनल के लिए काम करता है, जो जवाब देता है कि वो जिस चैनल से सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे उसे ये फुटेज बेचेगा। लू उत्सुक होता है और अधिक सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो को एक दूसरी घटना के बारे में कॉल आ जाता है और वो चला जाता है। घर पहुंचने के बाद लू ने जो कुछ देखा था वो उसके बारे में सोचता रहता है। वो टीवी चालू करता है और अलग अलग चैनलों को देखता है। जैसे ही सुबह होती है वो एक्सीडेंट वाला वीडियो एक न्यूज चैनल पर देखता है। अगले दिन लू एक बाइक चुराता है और उसे एक पॉन शॉप में ले जाकर एक कैमरा और एक रेडियो इंटरसेप्टर के लिए एक्सचेंज करता है। रात में वो अपनी कार में बैठकर पुलिस रेडियो सुनता है, ये उम्मीद करते हुए कि उसे आसपास की किसी घटना के बारे में जानकारी मिलेगी। जल्द ही वो एक घटना के बारे में सुनता है और तुरंत उस स्थान की ओर भागता है। वहां पहुंचकर वो एक ऐसे व्यक्ति की शूटिंग शुरू करता है जिसे कारजैकर ने हमला किया था और जो गंभीर रूप से घायल है, लेकिन वो घटना के इतने करीब पहुंच जाता है कि पुलिस सभी कैमरामैन को हटा देती है। इसकी वजह से जो गुस्से में आ जाता है और लू को उसके काम में बाधा डालने के लिए डांटता है। बाद में लू KWA6 नाम के एक न्यूज चैनल पर जाता है और डायरेक्टर नीना से मिलता है। जब वो वीडियो देखती है तो वो खून खराबे की मात्रा से इम्प्रेस होती है। उसे यकीन है कि ये व्यूअर्स को अट्रैक्ट करेगा और वो लू से वीडियो खरीदने का फैसला करती है। कीमत पर बातचीत के दौरान लू बड़ी रकम की मांग करता है, लेकिन नीना उसे उससे एक चौथाई रकम देने की पेशकश करती है, जिसे लू आखिर में मान लेता है। फिर वो नीना को उसकी ऑफिस में किसी नौकरी या इंटर्नशिप के वैकेंसीज के बारे में पूछता है, लेकिन नीना मना कर देती है। इसके बजाय नीना उसे और एक्साइटिंग फुटेज फिल्माने और उसे लाने की सलाह देती है। वो कहती है कि उसके लिए सबसे दिलचस्प न्यूज ये होती है जब कोई अमीर गरीब का शोषण करता हो। बाद में लू घर लौटता है और टीवी पर अपनी फुटेज देखता है, जिससे उसे बहुत गर्व महसूस होता है। सुबह में हम उसे एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां वो किसी का इंतजार कर रहा है। पता चलता है कि लू एक नौजवान लड़का जिसका नाम रिक है उसे अपने असिस्टेंट के तौर पर नौकरी के लिए उसका इंटरव्यू ले रहा है। वो लड़का टाइम पर आता है और ये साफ हो जाता है कि वो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है और इस फील्ड में उसे कोई अनुभव भी नहीं है। फिर भी वे थोड़ी देर तक बातचीत करते हैं और लू सहमत होता है कि वो उसे हर रात काम का $30 देगा। शाम को दोनों अपनी कार में पुलिस रेडियो सुनते हैं। जब उन्हें एक एक्सीडेंट के बारे में सुनाई देता है तो लू रिक को जोर से डायरेक्शन बताने के लिए कहता है, जबकि वो ड्राइव करता है। इसके बाद वो पागलों की तरह ड्राइव करना शुरू कर देता है, जिससे रिक घबरा जाता है और गलत दिशा बताने लगता है। नतीजतन वे घटनास्थल पर 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं, जब एक दूसरा कैमरामैन पहले ही फुटेज कैप्चर कर चुका होता है और पीड़ित को एम्बुलेंस ले जा चुकी होती है। इससे लू बहुत गुस्से में आ जाता है और रिक को उसकी गलती के लिए डांटता है। कुछ देर बाद उन्हें एक दूसरी घटना के बारे में पता चलता है और इस बार वे वहां टाइम पर पहुंच जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि एक घर में चोरी हुई है, लेकिन रिकॉर्ड करने के लिए कुछ खास नहीं होता, इसलिए जब पुलिस बिजी होती है लू चुपके से घर में घुस जाता है। वो किचन की तलाशी लेता है और आखिरकार फ्रिज पर गोली के निशान ढूंढता है। वो फोटो खींचता है और फैमिली की फोटो को गोली के निशानों के साथ एक ही फ्रेम में खींचता है। वो फिर चुपके से पीड़ित जोड़े को भी रिकॉर्ड करता है जो पुलिस से बात कर रहे होते हैं। बाद में लू नीना को वे सभी फुटेज दिखाता है, जो इससे बहुत इम्प्रेस होती है क्योंकि उनके पास पीड़ितों के असली चेहरे होते हैं। नीना को यकीन होता है कि इससे उनकी रेटिंग्स आसमान छू लेगी, पर ऑफिस का एक एम्प्लॉई इससे खुश नहीं होता और कहता है कि ये इलीगल फुटेजेस है। हालांकि नीना उसकी चिंता को नजरअंदाज कर देती है और लू की तारीफ करती है कि उसने अच्छा काम किया। अगले कुछ दिनों में लू और रिक कई नई घटनाओं के हैरतअंगेज फुटेज कैप्चर करते हैं। लू इन्हें नीना को बेचता रहता है
और काफी पैसा कमाने में कामयाब हो जाता है। अपनी कमाई से वो अब अपने पुराने इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करता है और काम के लिए एक फास्ट कार खरीदता है। एक रात लू एक कार एक्सीडेंट की जगह पर पहुंचता है ताकि एक बड़ी खबर पा सके। जब ड्राइवर ध्यान नहीं होता तो वो दूर पड़ी एक डेड बॉडी के पास जाता है और कुछ वीडियो लेता है। वो यहाँ तक कि बॉडी को कार की हेडलाइट्स की लाइट्स के पास खींचता है ताकि वो और बेहतर फोटो और वीडियो ले सके। बाद में वो निना को ये फुटेज दिखाता है जो एक बार फिर इम्प्रेस होती है। जब वो उसे उसका पेमेंट करती है तो लू मौके का फायदा उठाकर उसे डेट पर जाने के लिए कहता है। हालांकि निना उसे पसंद करती है लेकिन वो मना कर देती है ये कहते हुए कि वो उनके संबंधों को प्रोफेशनल रखना पसंद करती है। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि लू निना के साथ एक रेस्टोरेंट में डेट पाने में कामयाब हो गया है। वह उससे प्रेमिका बनने के लिए कहता है लेकिन वह कहती है कि यह केवल औपचारिक डेट है। लू फिर उसे याद दिलाता है कि उसके स्टेशन की रेटिंग्स क्षेत्र में सबसे कम थी इससे पहले कि वह उसे अपने वीडियो बेचना शुरू करता। वह उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसकी शर्तें स्वीकार नहीं की तो वह उसे अपने फुटेज बेचना बंद कर देगा। उसके नए रुख को देखकर निना चौंक जाती है और उसकी मांगों को मानने के लिए मजबूर हो जाती है। अगले दिन इलाके में एक प्लेन क्रैश होता है लेकिन जब लू पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने पहले ही सारा फुटेज कैप्चर कर लिया है। निराश होकर वो केवल कुछ ऑर्डिनरी क्लिप शूट कर पाता है और बाद में उन्हें निना को पेश करता है। वो उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे एक्साइटिंग वीडियो कैप्चर करने में फेल होने के लिए डांटती है। एक निराश लू फिर घर लौटता है और आईने के सामने चिल्लाता है फिर उसे तोड़ देता है। बाद में उसे न्यूज से पता चलता है कि जो ने पहले फुटेज कैप्चर किया था। गुस्से में लू उसके घर भागता है और उसकी वैन के ब्रेक में छेड़छाड़ करता है। इसके तुरंत बाद जब जो काम के लिए निकलता है वो एक भयानक कार एक्सीडेंट का शिकार होता है। रिक और लू तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और लू उसे बचाने के बजाय कैमरा से फिल्माना शुरू कर देता है। इससे रिक को लू का बर्ताव बहुत ही खराब लगता है और वो लू से रुकने के लिए कहता है। हालांकि पागल लू रिक की चिंताओं को नजरअंदाज कर देता है ये कहते हुए कि उन्हें तो बस अपना काम करना है। कुछ दिनों बाद लू एक अमीर घर में फायरिंग की पुलिस रिपोर्ट सुनता है। वो पुलिस के पहुंचने से पहले ही मौके पर पहुंचता है और दो अपराधियों को अपनी कार में भागते हुए देखता है। लू फिर घर के अंदर चुपके से घुस जाता है जहां कई डेड बॉडीज होती हैं। लू चालाकी से उन्हें अलग अलग एंगल से फिल्माना शुरू कर देता है। लू एक खाली बच्चे की पालना भी शूट करता है उम्मीद करते हुए कि ये व्यूअर्स में शक पैदा करेगा। जल्द ही वो एक पीड़ित के पास आता है जो अभी भी जीवित है और सांस ले रहा है। हालांकि मदद करने के बजाय लू उसे फिल्माना जारी रखता है। जल्द ही वो पुलिस के सायरन की आवाज सुनता है और वहां से जल्दी भाग जाता है। अगले सीन में लू टीवी स्टेशन का दौरा करता है और निना को वे सभी स्पेशल फुटेज दिखाता है। एक एम्प्लॉई का तर्क है कि इस तरह का फुटेज समाज में प्रसारित करना ठीक नहीं है लेकिन निना परवाह नहीं करती। फिर लू बड़ी रकम की मांग पर निना से बातचीत शुरू करता है। निना आखिरकार उसे $15,000 देने के लिए राजी हो जाती है लेकिन लू इससे खुश नहीं होता और अपनी शर्तें बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि वो फिर आगे से बातचीत नहीं करेगा और जो रकम मांगी जाए उसे चुकाना होगा। वो ये भी मांग करता है कि उसकी कंपनी का नाम यानी वीडियो प्रोडक्शन न्यूज टीवी शो के दौरान सबटाइटल्स में शामिल किया जाए। इसके अलावा वो निना से अपने सभी स्टाफ और यहाँ तक कि अपने सीनियर ऑफिशियल से मिलवाने की भी मांग करता है। निना उसकी जबरदस्ती वाली मांगों से कंफ्यूज्ड होती है लेकिन वो अपने चैनल की टीआरपी खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहती इसलिए वो लू की सारी शर्तें मान लेती है। अगले दिन लू टीवी पर आराम से अपने फुटेज देख रहा होता है तो अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। पता चलता है कि जासूसों को उस घटना में लू की भागीदारी होने का शक है। वे उससे उसकी शूट की गई वीडियो की एक कॉपी मांगते हैं और लू उन्हें एक क्लिप देता है जिसमें अपराधियों के भागने का हिस्सा नहीं होता। वो दावा करता है कि उसने अपराधियों को जाते हुए देखा था लेकिन उनका फुटेज उसके पास नहीं है। जासूसों के जाने के बाद लू इंटरनेट पर अपराधियों की गाड़ी की नंबर प्लेट देखता है और उनके एक घर का पता लगाता है। शाम को वो और रिक उस जगह पर पहुंचते हैं और लू रिक को अपना प्लान समझाता करता है कि वो एक गिरफ्तारी की स्टेजिंग करेगा और उसे फिल्माएगा। ये सुनकर रिक डर जाता है और अपनी जान जोखिम में डालने से इनकार कर देता है। वो जिक्र करता है कि लू उसे महीनों से हर रात का सिर्फ $30 दे रहा है जो ठीक नहीं है। रिक फिर हर रात $75 की मांग करता है या वो उसे पुलिस को रिपोर्ट करने की धमकी देता है। कोई और चारा न होने पर लू न चाहते हुए उसकी शर्तों को मान लेता है। कुछ देर बाद वे देखते हैं कि अपराधी घर से निकल रहे हैं और उनका पीछा करने का फैसला करते हैं। अपराधी जल्द ही एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और लू मौके का फायदा उठाकर पुलिस को कांटेक्ट करता है। वो रिपोर्ट करता है कि उसने रेस्टोरेंट में दो सशस्त्र संदिग्ध देखे हैं और खुलासा करता है कि वे वही लोग हैं जिन्होंने पिछली रात एक परिवार की हत्या की थी।
दोनों फिर बाहर इंतजार करते हैं, तैयार होते हैं कि वे अपराधियों की गिरफ्तारी के पल को कैद कर सकें। कुछ समय बाद पुलिस वहां आ जाती है और दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। इस गोलीबारी में दो निर्दोष लोग मारे जाते हैं, एक अपराधी भी मारा जाता है, लेकिन दूसरा अपनी कार में भाग जाता है। फिर लू अपनी गाड़ी में वापस आता है और ड्राइविंग शुरू करता है, जबकि रिक पीछा कर रही पुलिस को रिकॉर्ड करता रहता है। कुछ ही मिनटों बाद अपराधी की गाड़ी का एक्सीडेंट होकर पलट जाती है। लू अपनी गाड़ी पास में पार्क करता है और डेड बॉडीज की वीडियो बनाने लगता है। वो रिक को भी बाहर आने और रिकॉर्डिंग करने के लिए कहता है, ये दावा करते हुए कि अपराधी मर चुका है। रिक खुशी खुशी मान जाता है और एक्सीडेंट की रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी नजर अपराधी पर पड़ती है जो अभी भी जिंदा है। अपराधी तुरंत रिक पर दो गोलियां चलाता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। अपराधी फिर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस उसे गोली मार देती है। रिक मरने के कगार पर होने पर भी लू उसकी वीडियो बनाता है और बेरहमी से कहता है कि उसने उसे ब्लैकमेल के कारण मरवाया है। लू को लगता है कि रिक की पैसों की मांग समय के साथ बढ़ती जाती, हालांकि बेचारा रिक कहता है कि वो बस मजाक कर रहा था। आखिरकार रिक अपने घावों के कारण मर जाता है और लू बिना किसी पछतावे के उसका क्लोजअप रिकॉर्ड करता है। अगले सीन में लू निना को वो फुटेज दिखाता है जो फिर से खुश हो जाती है। टीवी स्टेशन के बाकी लोग इस फुटेज को देखकर दंग रह जाते हैं। बाद में जब निना फुटेज को प्रसारित करने की तैयारी कर रही होती है तो दो पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और फुटेज की मांग करते हैं क्योंकि ये अपराध का सबूत है, लेकिन निना इसे देने से इनकार कर देती है ये कहते हुए कि ये उसका है। बाद में लू जासूस के बुलाने पर पुलिस स्टेशन जाता है। एक पुलिस उस पर आरोप लगाता है कि उसने जानकारी छिपाई और अपराधियों के बारे में पुलिस को पहले जानकारी नहीं दी। जब उसे पूछा जाता है कि वो अपराधियों की कार को क्यों फॉलो कर रहा था तो लू झूठ बोलता है कि वो नहीं बल्कि अपराधियों की गाड़ी उसका पीछा कर रही थी। जासूस लू को हैवान कहता है कि उसने अपने असिस्टेंट को मरवा दिया और उसकी मौत के पल को भी रिकॉर्ड किया। लू बस मुस्कुराता है और जवाब देता है कि ये सिर्फ उसका काम है। हालांकि पुलिस ऑफिसर जानता है कि लू झूठ बोल रहा है, पर उनके पास लू के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता, इसलिए लू को आखिरकार छोड़ दिया जाता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि लू ने दो वैन खरीद ली है और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए तीन लोगों की एक टीम को काम पर रखा है। वो कहता है कि वो उन्हें फिलहाल पैसे नहीं देगा, लेकिन उन्हें इस काम की पहले ट्रेनिंग देगा, और वो धीरे से कहता है कि वो उन्हें ऐसा कुछ भी करने के लिए न कहेगा जो वो खुद नहीं करेगा। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।